जाता है कि भगवान ने यह दुनिया बहुत रंगीन बनाई है। इस दुनिया में हजारों रंग है, लेकिन इस रंगीन दुनिया को देखने के लिए भगवान ने सबको आंखें दी है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आंखें कमज़ोर होती है, और कई कई बच्चों में यह प्रॉब्लम अपने छोटे समय से शुरू हो जाती है, और कई लोगों में यह प्रॉब्लम जेनेटिक होती है, यानी उनके माता पिता या दादा दादी के किसी की आंखों में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए उन बच्चों की आंखों में भी प्रॉब्लम पाई जाती है। तो रोज़ की तरह मेरा नाम है पंकज बारिक, और आज हम बात करेंगे कि आंखों की रोशनी को उम्र के साथ कैसे इंक्रीज किया जाता है, अपनी आंखों की रोशनी को कैसे बढ़ाया जाता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ एंड न्यूज एनालिसिस को, हेल्थ और दुनिया के बारे में जानकारी और अपडेट के लिए। हम आपको 5 तरीके बताएंगे ऐसे जिनने अपना कर आप अपनी आंखों की रोशनी को इंक्रीज कर सकते हैं। उसमें पहला है पर्याप्त मात्रा में भोजन में विटामिन लेना। आपको भोजन में विटामिन ए और विटामिन सी अधिक मात्रा में लेना चाहिए, जिससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। इसके साथ ही आपको अपने भोजन में एंटीऑक्सीडेंट और जिंक जैसी ज़रूरी न्यूट्रिशंस लेने चाहिए, जैसे गाजर, लाल मिर्च, ब्रोकली, पालक, शकरकंद आदि। ये चीज़ें आपको लेनी चाहिए, क्योंकि इनमें विटामिन के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 एसिड और फैटी एसिड जैसे ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं। आपको इसके साथ साथ ही पत्तेदार हरी सब्जियां भी खानी चाहिए, क्योंकि पत्तेदार सब्जियां खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी चीज़ों को भोजन में पर्याप्त मात्रा से लेना चाहिए। अब दूसरी टिप्स, दूसरा तरीका है कि आप अपनी बॉडी को फिट रखें, आप फिट रहें। आपको अगर आपके शरीर का कोई भी हिस्सा, कोई भी अंग अगर फिट रखना है, अच्छा रखना है, तो ज़रूरी होता है कि आपकी पूरी बॉडी फिट रहे। जब आपकी पूरी बॉडी फिट होगी तभी ही वह हिस्सा अच्छा होगा, इंक्रीज करेगा अपनी चीज़ों को। मोटे लोगों या जिनका वजन अधिक होता है उनकी आंखें जल्दी ख़राब होती है, या जिन्हें डायबिटीज़ है उनकी आंखें ख़राब होती है। इसीलिए आपको मधुमेह है तो आपकी आंखें जल्दी ख़राब होने का चांस रहता है, इसीलिए आपको नियमित व्यायाम करके अपनी बॉडी को फिट रखना चाहिए, जिससे आपकी आंखें भी फिट रहेगी, सही रहेगी। अब तीसरी टिप्स है कि आपको अपनी आंखों का स्वयं ध्यान रखना चाहिए, आपको अपने आप अपनी आंखों का ध्यान रखना चाहिए। आप अगर कोई खेल जैसे रैकेट बॉल खेल रहे हैं तब आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, चाहे आप घर पे कोई काम कर रहे हैं, चाहे आप अपने गैराज में काम कर रहे हैं, चाहे आप अपने स्कूल में हो, आपको अपनी आंखों का ध्यान रखना चाहिए। आप अगर कहीं बाहर जा रहे हैं और धूप तेज है तो आपको अपना चश्मा लेकर ही बाहर निकलना चाहिए। अब चौथा है स्मोकिंग यानी धूम्रपान। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो आपकी आंखें जल्दी ख़राब होने का चांस रहता है, आपकी आंखें ख़राब हो सकती है, क्योंकि स्मोकिंग आपके फेफड़ों और आपके हार्ट के साथ साथ बालों, दांतों और आंखों को भी ख़राब करता है। स्मोकिंग से आपकी बॉडी को, पूरी बॉडी को काफ़ी नुकसान होता है। ज़्यादा स्मोकिंग करने से आपको कभी कभी मोतियाबिंद हो जाता है, और कई कई लोगों की आंखों में सूजन आ जाती है। इसीलिए आप अगर स्मोकिंग करते हैं तो ये आपके पूरे शरीर के लिए ही खतरनाक है, इसलिए आपको स्मोकिंग अभी छोड़ देनी चाहिए, इसी वक्त छोड़ देनी चाहिए। अब पांचवा और अंतिम तरीका है कि आप में यह प्रॉब्लम जेनेटिक हो सकती है, आपको अपनी आंखों का डॉक्टर के साथ इलाज कराना चाहिए। अगर आपकी आंखें ख़राब है तो आपको घर में देखना चाहिए कि किसी की आंखें ख़राब होगी, चाहे आप वह आपके दादा दादी, नाना नानी या माता पिता हो सकते हैं। ऐसे में आपका इलाज कभी कभी मुश्किल हो जाता है, तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, आपको किसी अच्छे डॉक्टर के साथ अपनी आंखों का ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो इससे इंटरेस्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और नीचे आपकी जो भी प्रॉब्लम है उस पर कमेंट कीजिए। और अगर आपको यह वीडियो अगर थोड़ी भी फायदेमंद लगी हो तो लोगों के साथ शेयर कीजिए। अब हम